सैमसंग गैलेक्सी A52 5G का इंतजार करें कि भाई सैमसंग का A52 4G ले लें। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ हाँ कि सैमसंग का A52 5G की लॉन्च डेट कंफर्म हुई कि नहीं, और यहाँ पे क्या ये फोन आ भी रहा है, क्या हमें A52 4G ले लेने चाहिए कि 5G का इंतजार करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे नहीं किया ये है आज का बहुत वीडियो, ज्यादा मतलब बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो लोग यहाँ पे सैमसंग A52 4G लेने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत मेन क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर आप A52 4G में अपना पैसा देने जा रहे हो, मत डेफिनेटली गाइज, ये फोन बहुत ज्यादा ओवर प्राइज है। दूसरी बात, वैसे आप ले ही रहे हो, प्राइस तो वैसे ओवर प्राइज है, बट हाँ मैं कहूंगा कि अगर आप इतना पैसा देना चाहते हो तो A52 5G का इंतजार कर लो। हाँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का A52 5G जो होने वाला है ये बहुत ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, और यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने मिलेगा। सेम कुछ हमें, हर चीज सेम नहीं मिलने वाली, कुछ चीज का डिफरेंट भी यहाँ पे सैमसंग ने किया जो मुझे बहुत पसंद अच्छी बात लगी। सबसे पहले बात करता हूँ उस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, A52 5G की स्पेसिफिकेशन बात करते हैं। बिल्ड डिजाइन वैसे ही होने वाला है A52 जैसे ही होगा, तो आप लोग वहाँ पर कोई फर्क नहीं देखने मिलने वाला है, डिजाइन वैसे ही मिलेगा। जिसमें मैं बात कर लेता हूँ, 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी। एक फर्क यहाँ पे है कि आपको जो A52 4G है वहाँ पे आपको 90 रिफ्रेशिंग रेट मिलता है, बट यहाँ पे आपको 120 रिफ्रेशिंग रेट देखने मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो आपको यहाँ पे जो है वही डिस्प्ले वो बहुत ज्यादा बढ़िया देखने मिलेगा। आगे बात करें चिपसेट बारे में, चिपसेट में भी फर्क है। यहाँ पे A52 4G में आपको स्नैपड्रैगन 720G मिलता है, बट A52 5G में आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 750G मिलेगा। तो भाई बहुत सरप्राइज देकर आप स्नैपड्रैगन 750G ले लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। आगे कैमरा की बात कर लेता हूँ, कैमरा भी सेम होने वाले, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी होगा और अल्ट्रा वाइड एप्सेंस से माइक्रो लेंस आपको देखने मिल जाएगा। सेल्फी में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, जैसे कि आप लोगों को A52 4G में मिली थी वैसे ही A52 5G में मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो बैटरी भी सेम होने वाली है, 4.5 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी होगा, फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट होगा, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। हाँ ये बोला जा रहा है कि यार पता नहीं आजकल सैमसंग जो है 25 वोल्ट का सपोर्ट तो दे देता है, बॉक्स में 15 वोल्ट देता है, तो ये थोड़ी बुरी बात मुझे लगी पर्सनली। लेट्स सी, लेट्स होप कि 25 वोल्ट मिल जाए आपको बॉक्स में। ये और बात करते हैं, एंड्रॉइड 11 आउट बॉक्स मिलेगा, मेन यू 3.1 से आपको आउट बॉक्स मिल जाएगा। ये पूरा सैमसंग का A52 5G जो आपको इंडिया में अप्रैल के मंथ में मिलने वाला है, बोला जा रहा है अप्रैल के मंथ में नहीं तो मई में मिल जाएगा। वैसे जैसे चांसेस मुझे पर्सनली लग रहा है मई में, क्योंकि अप्रैल के मंथ में एम सीरीज भी आ रही है, M42 आ रहा है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि सैमसंग इसे पोस्टपोन करके ना मई में कर देगा। लेट्स सी, बट हाँ अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो इंतजार कर लो। अब इसकी फाइनली मैं प्राइस पर बात करता हूँ, क्योंकि इस फोन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, मतलब कंपेयर आप इससे करते। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ दोनों फोन को बाय करने, ओवर प्राइस है दोनों फोन, बट मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो फोन लेना ही चाह रहे हैं इसको, इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो A52 5G का जो प्राइस होगा वो होगा 29,999 रुपीज़, 30,000 पे हाँ। और जो A52 4G है उसका प्राइस है 26,499 रुपीज़, मतलब आपको 3,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा A52 5G वेरियंट के लिए। 3,500 रुपये में आपको 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 750G मिल जाएगा और 5G मिल जाएगा। आई थिंक इसके लिए आपको भाई इंतजार करके 3,500 रुपये दे देने चाहिए मेरे हिसाब से, वेट कर लीजिए। 5G इससे बेटर होगा, 4G मुझे फ़ोन इतना बढ़िया वैसे भी नहीं लगा है, बट हाँ 5G में ये तो होगा कि आपको 5G मिल जाएगा, आगे के लिए अच्छा है आपके लिए। स्नैपड्रैगन 720G से तो बहुत बेटर है, और 120 रिफ्रेशिंग रेट भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये कुछ चीज़ें जो है इसको आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ इंतजार कर लीजिए सैमसंग के A52 5G का। बस इस वीडियो में बस नहीं रखते हैं, कमेंट करके बताओ क्या ये वीडियो हेल्पफुल लगी है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो लाइक भी करके बताइएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। और A52 के बारे में आपकी राय क्या है, क्या 4G लेने वाले हो, 5G ले रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे पर्सनली, मैंने आपको लास्ट ऑफ ऑल कह ही दिया है, इंतजार कर लीजिए, बढ़िया फोन होने वाला है, 4G तो बेटर ही होगा 5G, तो ये मैं आप लोगों को बस कहना चाहूँगा। और प्राइस 30,000 रुपये मेरे हिसाब से ओवर प्राइज है फोन, मैं ये फिर से लास्ट को बोल दूँ, दोनों फोन ओवर प्राइज है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मगर मैं उनको ही रिकमेंड कर रहा हूँ जो भाई यही फोन लेना चाहते हैं, उन्हें यही सीरीज पसंद है, वो सैमसंग ए सीरीज के लवर हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। बस अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं तो भाई बोलता रहता हूँ। और बस इस वीडियो बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।